जीवन और कहानियों का एक अलग ही नाता है। ये कहानियाँ ही तो हैं जो जिंदगी की छोटी से छोटी सीख बड़े ही सहज और सरल तरीके से दे जाती है, और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। ये इन कहानियों का जादू ही है जो बच्चों को जीवन पर भूलने नहीं देगा कि जिंदगी में नैतिक मूल्य का होना कितना जरूरी है। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। बरकत हिरन की कहानी। एक जंगल में हिरनों के दो झुंड रहते थे। वे बरकत हिरन और बंदर हिरन कहलाते थे। उस राज्य का राजा मांस के लिए हिरनों का शिकार किया करता था। हिरनों को शिकार से बचाने के लिए दोनों झुंडों के नेताओं ने तय किया कि हर रोज एक हिरन को राजा के पास भेज दिया जाए। एक दिन बरकत हिरन झुंड के एक छोटे हिरन की बारी आई। वह अपने नेता के पास गया और उससे जान बचाने का अनुरोध करने लगा। उसका अनुरोध सुनकर नेता ने उसके बजाय स्वयं ही राजा के पास जाने का निश्चय किया। जब राजा ने उसे देखा तो कहने लगा, तुम तो हिरनों के नेता हो, तुम क्यों आए हो? बरकत हिरन झुंड के नेता ने उसे पूरी बात बताई। राजा उसकी बात सुनकर द्रवित हो गया। उसने वादा किया कि अब वह कभी हिरन का मांस नहीं खाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।